नमस्कार। देखिए, दूध दही छाछ ऐसी चर्चाएं, ऐसी बातें हम लोग रोज करते हैं और उनका सेवन भी करते हैं, लेकिन दही के बारे में कुछ चीजें हैं जिनको मैं आपको कहना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, दही जो है वो हम लोग ज्यादातर लोग खाते हैं। कब खाते हैं? दोपहर में खाते हैं या सुबह खाते हैं या शाम को खाते हैं। सबसे उत्तम समय की बात करूं तो दही का समय सुबह का है। सुबह आप खाइए, पाचन क्रिया को बहुत अच्छा जो है वो स्टिमुलेट करता है, उसको संतुलित करता है। जो दही है इसको खाने का एक और तरीका जो मैं आपको बताऊं, मतलब खाने का समय तो ये हो गया। हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, जब भी आप कोई अच्छे कार्य के लिए जाएं, तो दही में चीनी डालकर खाकर, चीनी का मतलब चीनी नहीं, चीनी का मतलब मधुर, मीठा, मीठा क्या, मिश्री या गुड़, ऐसा कुछ डालकर आपको दही खाकर निकलना चाहिए। थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। अब मीठा डालें या नमक डालें या नमक मिर्च डालें या उसमें कुछ और डालें, क्या डालें, दही के बारे में ये कंफ्यूजन हमारा रहता है। क्यों मीठा डालना चाहिए, मैं अब जो मेरी चर्चा है वो अब उस पर आता हूं। ज्यादातर लोग देश के, मुझे लगता है 98% लोग दही में नमक डालकर खाते हैं। ये सबसे रोंग वे है दही के साथ, दही को जो है गड़बड़ करने के लिए। क्योंकि दही के अंदर जो है बैक्टीरियाज होते हैं सीधा, जो हमने पढ़ा है वो तो सिंपल बात है कि मीठा डालेंगे तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे और पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे तो वो आंतों में जाकर जो है हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रोंग करते हैं, बढ़िया करते हैं और हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। ये तो एक सीधी बात है। लेकिन अब इसके अंदर की बात करें, जो आयुर्वेदिक चर्चा है वो ये है कि जो दही है वो पित्त कारक यानी गर्म तासीर का होता है। आमतौर पर हम क्या मानते हैं, दही ठंडी तासीर का है। ठंडी तासीर का कब बनेगा, जब उसमें बराबर का पानी मिलाकर मट्ठा बना लोगे तो वो ठंडी तासीर का होता है। जब उसका मक्खन निकाल लिया जाता है तब वो ठंडी तासीर का होता है। लेकिन दही प्रॉपर जो जमा हुआ बिना फ्रीज में रखा हुआ, सुबह अगर आप सीधा दही खाते हैं तो वो गर्म तासीर का होता है। अब उसकी गर्म तासीर, उसको गर्म तासीर का मतलब क्या हुआ, पित्त कारक, पित्त बढ़ाएगा। इसलिए सुबह दही खाना उचित रहता है। जो रात को अगर दही खाए तो, क्योंकि खट्टा होता है, पहले बात तो रात को दही, दोपहर का दही होगा, रात को जाएगा तो खट्टा होगा, उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, खटाई पकड़ेगा, वो शरीर में पित्त भयंकर कर देगा, तो रात को तो दही खाना ही नहीं चाहिए। अब दही कब, सुबह की, जैसे मैंने बात की सुबह खाना चाहिए, तो उसमें मीठा क्यों मिला है? देखिए, आयुर्वेद क्या कहता है कि मधुर यानी मीठा, मीठा जो है वो पित्तनाशक है। पित्त बढ़ता है तो मीठा जो है वो उसको शांत करता है। अब सर्दियों के अंदर हमारा पित्त क्यों उग्र रहता है, सर्दियों में बाहर की गर्मी शरीर से बाहर नहीं निकलती, अंदर ही अंदर गर्मी रहती है, तो गर्मी ज्यादा रहती है तो हमारा शरीर अपने आप मीठा मांगता है, तो हम क्या करते हैं, मीठा हलवा खाते हैं, हम मीठा गाजर पाक खाते हैं, हम मीठे लड्डू खाते हैं, हम मीठी चीजें जितनी भी गरिष्ठ और मीठी जलेबियां खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो मीठा जो है उस पित्त को शमन रखता है, उसको उग्र नहीं होने देता। यही बात दही के साथ है। तो दही अगर पित्त कारक है तो अगर किसी को दही खाने से खट्टी डकारें आती हैं और वो नमक डालकर खा रहा है तो एक बार आप ये हैबिट चेंज करके देखिएगा। मैं ये कहता हूं किसी भी चीज को आप 2 दिन चेक करिएगा अपने शरीर के ऊपर। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति के शरीर का डॉक्टर खुद वो व्यक्ति बन सकता है, उसको खुद को पता है मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं करता। 2 दिन आप प्रयोग करके देखिए, उसमें से नमक हटा दीजिए, चीनी डालिए, चीनी पे देखिए, चीनी को मैं प्रेफर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं मिश्री डालिए, मिश्री को कूट कर उसका चूर्ण थोड़ा सा बना लीजिए, पाव चम्मच जो है वो दही में मिलाकर आप चम्मच से या तो दही खाइए या फिर खाने के साथ खा रहे हैं। अब देखिए, दही बड़ा हमारा बनता है, दही बड़े में चीनी जो है वो डाली जाती है। राजस्थान में दही बड़े का ज्यादा प्रचलन है, उसमें चीनी डाली जाती है यानी मीठा होता है। लस्सी पंजाब में पी जाती है ज्यादा, तो पंजाब में जब लस्सी पी जाती है तो उसको मीठा किया जाता है। क्यों? ये आप गुजरात में चलिए, श्रीखंड है या फिर जो दही के कोई प्रोडक्ट है उसमें चीनी डाली जाती है। ये 3 स्टेट का तो मेरे सामने उदाहरण है। लस्सी का तो पूरे देश में ही वैसे लस्सी पी जाती है, कई जगह मैंने ऐसा देखा है छाछ में भी चीनी डाली जाती है। ये जो मीठा जो है, ये मीठा उस दही के पित्त को शमन करते हुए जो है उसको एक हमारे शरीर के अनुकूल बना देता है। इसलिए यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि दही को मीठा करके लिया जाए। तो आप मीठा
मिश्री हो तो ज्यादा बढ़िया है, सर्दियों में गुड़ डाला जा सकता है, लेकिन अगर फिर भी कोई मीठा नहीं है तो चीनी डालें तो थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा एक चम्मच नहीं डालें, थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, नमक मत डालिए, मिर्च मत डालिए, वो दही की जो है मूल प्रवृत्ति को डिस्टर्ब करता है। तो हमें ये कुछ बातें ध्यान रखनी है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन चीजों का सेवन बहुत तरीके से लेना जरूरी है। कई लोग कहते हैं हम कुछ भी खा लेते हैं हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताता हूं 40 45 50 की उम्र में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि सफेद दाग स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों के काले धब्बे हो जाते हैं, कईयों के कुछ दानेदार कुछ जो है वो शरीर पर चकते आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये हमारे अपथ्य भोजन के खान पान की वजह से आते हैं। हम लोग कई ऐसी हैबिट्स हैं जो कई सालों से करते आ रहे हैं, 10 साल से दूध के साथ पराठे खा रहे हैं, कई जो है दही के साथ अचार खा रहे हैं, ये हैबिट्स जो है ये कई सालों से चली आ रही है। फिर उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो कई उम्र बीतने के बाद, कई सालों के बाद साइड इफेक्ट्स आते हैं, फिर हम कहते हैं इसका ट्रीटमेंट करिए, वो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों में तो बैठ जाता है, नहीं तो वो बैठता ही नहीं है। ये कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, हैबिट्स को मजबूत बनाइए, बच्चों को भी सही हैबिट सिखाइए। आप मीठा दही, हमारी माताएं, हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं घर से निकलते हुए दही में चीनी डालकर, तो कितनी ही बार मुझे याद है बचपन में हमारे अड़ोस पड़ोस गांव में घरों में ज्यादातर लोग खिलाते थे, आज तो भूल ही गए वो चीज, क्यों भूल गए, तिलक लगाते थे दही में मीठा कर डाल के खिलाते, ये छोटी छोटी चीजें थी, आज भी किया करें, क्योंकि बच्चे अगर बाहर जाएंगे पित्त बढ़ेगा तो उनका कार्य जो है सफल नहीं हो पाएगा, उनका दिमाग गर्म हो जाएगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, इसलिए मीठा डालकर दही खिलाते थे, पित्त नहीं बढ़ता था, बस सीधा सा सिंपल लॉजिक है। तो इन सब चीजों को समझिएगा और अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाइएगा, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।